सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनका सर्वांगीण विकास होता है। यहां पढ़ाई के अलावा खेलकूद, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, मनोरंजन के लिए झूले तथा स्काउट गाइड भी सिखाई जाती है। इससे बच्चों में आत्मविश्वास, सहकारिता, सहभागिता, कर्तव्य निष्ठा आदि गुणों का समावेश होता है। यहाँ हिंदी अंग्रेजी माध्यम सह शिक्षा के साथ साथ बच्चों को लाने वाले जाने के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ NCERT और CBSE दोनों ही पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, ईस्ट ऑफ लोनी रोड, मेन वजीराबाद रोड, गोकलपुरी चौक, दिल्ली 93। टेलीफोन नंबर 2281-783-2281। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents Deo Bhumi Uttaranchal ka Utkrisht Utpadan, CKG Mouth Watering Fruit Jams, Continental Sauces, Pickles in Different Flavors, Vinegar, Delicious Tomato Ketchup, You and CKG. What a great principal mohatri ke madhyam se hame bheja hai just modern Mr. Bansa hai Arvind Bansa ji jo secretary hai wahan ke unhone hame yahan bheja hai कि आपको बताएं कि आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय गर्ल डे क्यों मनाया जाता है, क्या क्या अधिकार हैं आपके, कैसे सुरक्षा होगी आपकी और क्या आपकी पावर है। और आप घर में अपने माता पिता बताएं कि हम ये जानते हैं जो कि बहुत से माता पिता नहीं जानते, तो मानते हैं। जब घर जाती है माँ कहती है ये करना है, मम्मी कहती है करना है, पापा कहते हैं करना है, तो आपको उनसे ज़्यादा ज्ञान होगा तो उनको खुशी होगी नहीं होगी, होगी नहीं होगी। तो हम यहाँ कोर से आए हैं, हम ये बताने आए हैं कि आपके क्या अधिकार हैं, क्या ड्यूटियाँ हैं, क्या आपके साथ जो घटित हो वो नहीं हो, गलत काम में घटित हो उनसे बताने आए हैं। आइए हम बात करते हैं संदीप श्रीवासी से। मैं सिर्फ संदीप श्रीवासी लीगल सर्विस 30। इससे पहले आप लोग यहाँ लीगल लिटरेसी प्रोग्राम हुआ तो आज खास करके इस बात के लिए आया हूँ कि आपके राइट क्या हैं और आपको सुरक्षा कानून के तहत कहाँ कहाँ मिलता है। चाइल्ड इंटरनेशनल डे फॉर चाइल्ड गर्ल चाइल्ड आज दिन है। इस पॉइंट पे हमें ये बात कि आपको मालूम हुआ कॉन्स्टिट्यूशन कब पारित हुआ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान कब लागू हुआ, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन पास इसलिए कि सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलने का अधिकार मिले, फ्रीडम ऑफ रिलीजन इक्वलिटी बोल रहा है, काम के समस्त सबको समानता का अधिकार मिले। आपने घर में और समाज में बौधा कोई कोई स्टोरी सुनने को आपको मिली मिला हो, जहाँ पर अस्पृश्यता आपने सुना होगा, छुआछूत। एंड सेकेंड थिंग, लड़कियाँ खास करके ज़्यादा बड़ा डिटेल में नहीं बताएंगे हम, खास करके लड़कियों को आप लोग उपेक्षा के शिकार लड़कियों को किया जाता है, जैसा कि आप आजकल सीरियल में आप देखती हैं और इसे भी आपने नोटिस किया होगा समाज। उपेक्षा के शिकार जैसे भ्रूण हत्या कर दी जाती है लड़कियों का, जैसे बोलने का अधिकार नहीं होता है, तो किसी
न्यूज में आपने सुना होगा किसी मंदिर में स्पेशली लड़कियों को या लेडीज को जाने नहीं दिया। इस तरह से आपके साथ अच्छा होता रहा, जिसको ध्यान में रखते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो पीएचडी पास थे, उन्होंने अस्पृश्यता को लेकर के और अपेक्षा के शिकार क्योंकि एससी एसटी भी थे तो उस समय एससी एसटी एक्ट पारित कर, एससी एसटी का मतलब जानती हूँ शुरू कास्ट है, शुरू ट्राइब शुरू ट्रिब्यूनल के कास्ट है। यहाँ कास्ट की बात इसलिए बताया क्योंकि गर्ल्स भी आज भी शिकार है उपेक्षा के, घर में भी कहीं कहीं किसी किसी परिवार में माँ बाप खुद ही लड़कों को ज्यादा प्यार करते हैं लड़कियों को कम, तो वहां पर उनको भी आप भी मोटिवेट कर सकते हो, हम भी मोटिवेट कर सकते हैं, खास करके टीचर भी कि ज्यादा आविष्कार भी नहीं हुआ था तो आदमी दूसरे के साथ बराबर का व्यवहार करता था, जानवर की एक ही प्रवृत्ति थी। धीमे धीमे एजुकेशन शिक्षा का प्रचार हुआ और आज ये समय आया है कि सब लोग इक्वल सबके साथ व्यवहार करने का राइट मिला, सबको बोलने का, पूजा करने का, रहने का, खाने का, सब कुछ का अधिकार मिला। लेकिन फिर भी आज भी समाज में कुछ ऐसे परिवार हैं, कुछ लोग ऐसी सोसाइटियां हैं जैसे राजस्थान की जातियां हैं, अब उसको ज्यादा डिटेल नहीं बताएंगे, कुछ ऐसी परिवार हैं जहाँ पर लड़कियों के साथ अपेक्षा होता है, लड़कियों को खास करके हर साल बताइए तो वहाँ भी आपको खर्चे का भी खर्चा मिलता है। इवन आपको इतना डिटेल में नहीं जाने की इच्छा मेरी कह रही है, फिर भी मैं आपको बता दूँ कि अगर पेरेंट बच्चों के साथ उपेक्षा करते हैं, पेरेंट माँ बाप लड़कियों के साथ खास करके लड़कों के साथ अलग सा व्यवहार, आपके साथ अलग व्यवहार, तो आप आगे आकर के उनको शिक्षा दे सकते हैं, उनको उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो समस्त अधिकार आपको दिया गया। अब ये सोचने का दिन नहीं रह गया कि आप अलग हैं, आपको अधिकार अलग से दिया गया, ऐसा नहीं, इक्वलिटी बिफोर आप बराबर हैं, बराबर का हक लेने के लिए आप आगे आए और अपने को खास होने से बचाएं। आप एडवोकेट आते हैं हर महीने, मैडम बताया प्रिंसिपल मैडम ने हर महीने दो महीने में यहाँ एडवोकेट आते हैं, वो आपको अच्छी बातें बताते हैं। आज कौन सा दिवस है, ये कैसे महसूस हुआ कि आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपका है, किसने बताया आपको आज? आपने। आप समझ गए ना, आप नहीं जानते थे कि आज कौन सा दिन है, तो आपने महसूस किया आज दिन कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय। आप जानते हैं क्या ड्यूटी है बच्चों की, आप क्या प्रोटेक्शन, क्या सेफ्टी करनी चाहिए, क्या सेफ्टी करनी चाहिए आपको? जैसे सर ने बताया कि सेक्शन 21 है, सेक्शन 357 है, 125 है, इनके अंदर बताया उन्होंने ये सब चीज़ें क्या हैं कि इनसे आपकी सुरक्षा है, यदि कहीं आपको दिक्कत आए, कोई समस्या हो तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, तो आपके फादर मदर आपकी सहायता करेंगे, वहाँ जाकर अपना बचाव कर सकते हैं आप। और क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, आज ये दिन आपके प्रति सामने बताइए बच्चे ने क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, क्या चाहते हैं आप कोर्ट के माध्यम से, कौन बताएगा, तो बताइए, आप बताएंगे, आप बताएंगे, सर ने उठाओ खड़े हो, बताओ खड़े होकर क्या होना चाहिए आपके प्रति, आपकी सेफ्टी कैसे होनी चाहिए। जब किसी के साथ कुछ गलत होता है तो काफी आरोप लगाए जाते हैं उन पे, काफी ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जो नहीं पूछने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ कहा, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि लड़कियों से और लेडीज के मामले में विक्टिम से ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे जो उनकी मान हान करते हैं, इट मीन्स कि उनकी भावनाओं का जो कदर करते हुए ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। और मेयर स्टेटमेंट आप द कंप्लेनेंट आर विक्टिम विल बी सफिशियंट फॉर द चार्ज, नो अदर क्वेश्चंस इन द रिलेशन ऑफ द डोमेस्टिक मोरल क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड बाय द एडिटर्स ड्यूरिंग द क्लास एग्जामिनेशन मैन विक्टिम। तो मैंने क्या बताया, ये बताया कि आपसे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा, कि ये पिक्चर है शूटिंग में बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है,
कानून में अमेंडमेंट हो गया, कोई गलत बातें आप पूछे जाए जब क्या हुआ कैसे हुआ, सिंपल आपने जो बताया है उतना ही आपसे उसी के सामने पास किया जाएगा। लेकिन अश्लील बातों का अश्लील वर्ड कभी भी यूज नहीं किया, अगर किया जाता है तो वकील को जैसा खुद मना कर देते हैं। और जैसे आपने हमें इस बारे में अवेयर किया, वैसे काफ़ी बच्चे होते हैं जो स्कूल नहीं जा पाते, या जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं जो नहीं जा पाते, तो ऐसे भी अवेयरनेस फैलाते हैं। उसके लिए अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम हमारी तरफ से होता है और कानून भी है उसके लिए, कि उसके लिए एक जागरूक संस्था NGO है, टीचर है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इनकी ड्यूटी है कि ऐसे लोग जो बेगर्स के बच्चे हैं पढ़ नहीं पाते, उनके लिए संस्थाएं हैं, वहां उनको भेजें, उनके पेरेंट्स को मोटिवेट करें कि वहां भेजें अपने बच्चों को पढ़ाएं। जब तक आदमी खुद जागरूक नहीं होगा तब तक उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे। आपकी शिकायत ये है कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते और स्थिति ठीक नहीं है, उनके लिए कानून में और अमेंडमेंट हो गया कि BPL कार्ड बनता है, राशन कार्ड एक BPL कार्ड बनता, BPL कार्ड वालों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है गवर्नमेंट, तो उसका यूज करें आप। BPL कार्ड के आधार पे आपको हाई स्कूल और 10वीं के पढ़ने के दौरान आपको योगदान जो कंट्रीब्यूशन भी मनी कंट्रीब्यूशन भी गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, वे भी आपको नहीं मिलता, तो आप उसके लिए शिकायत कर सकती हैं अपनी प्रिंसिपल से, NGO में या कहीं पर, दोनों आंसर आपको मिल गए। जानते हैं आप कौन बताएगा कि आज कौन सा दिवस है, कौन सा दिन है आज इंटरनेशनल? नहीं पता। आप क्या कहते हैं बच्चे, लड़की गर्ल कहते हैं ना आपको, तो आज इंटरनेशनल गर्ल दिवस है, आज अंतर्राष्ट्रीय। हमें कहाँ से भेजा है, कोर्ट से भेजा है आपको बताने के कि क्या सुविधाएं होनी चाहिए, क्या समस्या आपके सामने आती हैं, क्या दिक्कतें आती हैं जब आप घर से स्कूल में आती हैं, उन समस्याओं को सामना करना पड़ता है। उसके लिए हमारे साथ बैठे हैं संदीप सिंह वास्तव, एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट हैं, माई सेल्फ डॉक्टर धर्मवीर गुप्ता एडवोकेट। हम आपको बताने आए हैं, आज दिन बनवाओ मैम, जब टाइम नाम और हमारी यह बुलेटिन सदैव आपके साथ है। यदि आपके क्षेत्र में कोई समस्या हो या राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या अन्य कोई कार्यक्रम हो तो हमें सूचित करें। हमारे फोन नंबर है 2221-0638-2122-0638-107-21848-9818-71052। हमारा फैक्स नंबर है 2211-0638। ईमेल आपके बाद @your.com। हमारी वेबसाइट है www.dillyfm.com। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर और गूगल पर भी देख सकते हैं। हमारा आज का यह बुलेटिन यहीं समाप्त होता है, फिर मिलेंगे, तब तक के नमस्कार। हमारा पता है 198/श्री राम नगर, शारदा, दिल्ली 32।